हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्यांशी और आज आप देख रहे होंगे कि ये कहाँ पे आ गई हूँ मैं। तो आज हम निकल चुके हैं जयपुर की मेन गलियों में, मतलब मेन सिटी में। तो आज न्यू ईयर का फर्स्ट डे, 1 जनवरी, तो हम जा रहे हैं सबसे पहले गणपति बाबा के यहाँ मोती डूंगरी। और यहाँ पे आते ही यार इतनी भीड़ थी, हम तो सोचे कि 12 बजे हम आए थे और यहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैं खड़े खड़े सोच रही थी कि यार दर्शन कैसे होंगे आज, और सीरियसली दर्शन तो हुए नहीं। हम बाहर से दर्शन करके आ गए क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लोग रात से मतलब नंबर लाइन लग रही थी बहुत भयंकर वाली। तो रात से 2-3 बजे से या सुबह मॉर्निंग में जल्दी आके नंबर लगाया। तो ये देखो, ये पूरी एक लाइन लग रही है पूरी एंड तक। पार्किंग वाले एरिया में भी लाइन थी, और पार्किंग हम कहीं और ही करके आए हैं। फिर हम वहाँ से निकल के बिरला मंदिर आ गए। और ये मेरी वॉक तो देखो आप, मतलब मैं थोड़ा रील्स शूट कर रही थी तो मैंने उसमें क्लिप्स एडिट कर दी है, ये बहुत सारी 2-3 है। और जो कि मतलब मुझे ज़्यादा सी आ रही थी क्योंकि पीछे है ना वो गिरते गिरते बचे अभी। तो अभी ये आप देखो यहाँ की खूबसूरती इतनी अच्छी है, क्या ही बताऊँ। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इतने सारे लग रहा है सारे जयपुर के लोग यहीं आ गए। आप देखो पीछे फ़ोटो सेशन चल रहा है, इतना ख़तरनाक। मैं खुद सोच रही थी क्या फ़ोटो वोटो क्लिक कर लूँ, तो ये आंटी मुझे पहले ही देखो आंटी के अभी फ़ोटो शूट कर रही है अपनी बेटी का या कोई होगी उनका। तो यार बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया था इतने दिनों बाद में बाहर मेन सिटी का मज़ा लेने। और बिरला ऑडिटोरियम, मतलब बिरला मंदिर मेरा काफ़ी देखा हुआ है पहले भी, लेकिन मुझे यहाँ पे आके एक अच्छा लगता है मतलब थोड़ा। तो मैंने यही चूज़ किया कि हाँ भाई 1 जनवरी को हम यहीं चलेंगे। पर दर्शन तो हुए नहीं, पर यहाँ पे राधा कृष्ण के दर्शन हो गए। मंदिर राधा कृष्ण का है और यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं काफ़ी। ये देखो कितना पूरा मार्बल का बना हुआ है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो मैं सोची थी चलो वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या आवाज़ ही आ रही थी, मतलब बना नहीं सकती थी वीडियो को, माइक लेकर नहीं गई थी मैं और बहुत ज़्यादा आवाज़ आई थी, तो इसलिए ऊपर से वॉइस ओवर कर दी। फिर थोड़ी दूर आगे जाते यार बहुत सारे बर्ड्स दिख गए रास्ते में। ये स्टैचू सर्किल है जो जयपुर में, जो जयपुर में रहने वाले लोग जानते होंगे तो कमेंट करके बताना आप जयपुर से हो या बाहर से। तो यहाँ पे है ना बर्ड्स को, मतलब बहुत सारे कबूतर थे तो उनको दाना डाल रहे थे। और ये है मेन रोड, यहाँ से विधानसभा भी थोड़ा सा। तो गाइस जयपुर में बहुत ज़्यादा ठंड है और मैंने चेंज कर लिया और ये वाली हुड्डी पहन ली है, बहुत टाइम से रखी हुई थी, मैंने पहनी नहीं एक बार, मतलब एक या दो बार पहनी है, मैं सोची आज पहन लेते हैं। और गुन्नू भी कुछ बोल रही थी मेरे को कहीं जाने की, कहाँ जाना है ये देखो कैसे मरी मरी बोल रही, इधर आके बोल जो बोलना है, ब्लॉग में बोलेगी तभी चलूंगी मैं, जा लूंगी। ये देखो उसको बोल रहा है कहाँ पे जाना है, कौन सा ड्रेस वर्क, अभी 2 दिन पहले तो दिलवा के लाई थी तो एक और लानी है। ये एक साथ तो बोलती नहीं, अलग अलग बोलती, आज हिंदी की दिला ला, आज इंग्लिश की दिला ला, आज मैथ की दिला ला, और कभी क्या नहीं। आज कौन सी लेने जानी है, आज मेरे को लेकर आनी है, कोई तो लेकर आनी है। अभी ये मतलब इसकी सब्जेक्ट भी अलग अलग है, 6 के लगभग 7 या 8 हो गए क्या, 6 ही है ना सब्जेक्ट, तो 6 बार लेके जा चुकी मेरे को 5 बार, अब एक और बच गई तो एक साथ नहीं ला सकती। इसने लगता है 12th नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी लेकिन मैंने ऐसे नहीं पढ़ी, गवार बन रही है ऐसे नहीं पढ़ी। 6 सब्जेक्ट होती है क्या, 5 सब्जेक्ट ना, 5 लेकर आ, हमारे तो प्रैक्टिकल भी होता था। हाँ तो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल उसकी भी अलग से आती है। हाँ तो मेरी मेरी, हाँ तो बस तो फिर ठीक है, चलना मम्मी आइसक्रीम खिलाई, पिकनिक टूर पे कब 29 को, तो मेरे को बता रही है ना मेरे को चश्मा दिला के ला, नहीं दिला के लाऊंगी, पहले बता आइसक्रीम खिलाएगी ना तब तो जाऊंगी। 200 रुपए 200 का चश्मा आएगा, 10 रुपए की पतासी खिला देती हूँ, पतासी आइसक्रीम खिलाती हूँ, चल ठीक है फायदे का सौदा है। मैं देखूंगी बाद में तूने क्या बोला। चिल्ला रहे हैं तो गाइस हम जा रहे हैं, बाय 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 बाय, बाद में मिलते, चल लेना।